गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर मोटापे वाला मूवी देख लिया है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं डबल एक्सएल की बात कर रहा हूँ। तो डबल एक्सएल मैंने मूवी देख लिया है, हुमा कुरैशी और यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा की मूवी देख ली। सोनाक्षी सिन्हा बहुत दिन बाद आई है इंडस्ट्री में, तो मेरे को लगा कुछ अच्छा लेकर आएगी। तो बात करते हैं इस बारे में क्या अच्छा लेकर आई है। तो भाई ऐसा नहीं है कि इस मूवी का टाइटल मतलब मोटापा टाइप का है तो ये सिर्फ मूवी मोटे लोगों के लिए या सिर्फ पतले लोगों को देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोगों के लिए मूवी है, मतलब सभी लोग इस मूवी को देख सकते हैं। अब देखो ये जो कहानी है ना, ये दो लड़कियों पर बेस्ड है, ठीक है। एक सायरा खन्ना, उसके पास एक राजश्री त्रिवेदी, तो इन दोनों के ऊपर ही मूवी पूरा घूमती है। अब कहानी क्या मैं बताता हूं। सायरा खन्ना जो रहती है, जिस जो मतलब सोनाक्षी सिन्हा है, उनकी जो लाइफस्टाइल रहती है ना, थोड़ा अच्छी मॉडल टाइप की लाइफस्टाइल रहती है। अब उनका एक सपना रहता है, सपना क्या रहता है, उनको एक फैशन डिजाइनर रहती है। अब उनको चाहिए रहता है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना खुद के कपड़े का भाई। लेकिन आपको पता है ना यार, देखो किसी को भी अगर तुम कुछ किसी चीज को जज करने जाओगे तो वो लोग पहले तुम्हारे ऊपर देखेंगे भाई, जबकि तुम तो ऐसे हो भाई, तो तुम मेरे को क्या सजेस्ट कर रहे। तो भाई साहब इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फेलियर फेस कर रही है। अब बात करते हैं, एक तरफ अलग कहानी चलती है राजश्री त्रिवेदी की, ठीक है, जिसका है मतलब हुमा कुरैशी, जो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिनकी फैमिली से काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, भाई साहब तुम शादी कर लो। अब इनको शादी करना नहीं रहता, इनका भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है। अब ड्रीम क्या है इनका, इनका ड्रीम है कि कोई भी स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट पे जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर रहता है, जो स्पोर्ट खत्म होने के बाद से जो वहां पर माइक पे एंकरिंग करता है, वो बनना रहता है इनका सपना। अब ये बहुत ज्यादा छोटा मोटा इधर उधर ट्राई करती है लेकिन कहीं ब्रेक इनको नहीं मिलता है। और ठीक है, उसके बाद से फाइनली जब ये एक इंटरव्यू में जाती है देने के लिए, तो वहां पर पता है कि इनका लास्ट नंबर आता है और इंटरव्यू क्लोज हो जाता है भाई। अब ये बाथरूम में जाके वहां पर रोने लगती है। अब वहीं पर मुलाकात होती है सोनाक्षी सिन्हा की से इनकी, जो भी दोनों परेशान रहती है। अब दोनों परेशान होकर आपस में दोस्त बनती है। अब उसके बाद से ये दोनों डिसाइड करती है, भाई साहब देखो मेरे हम लोगों को मिलकर इस दुनिया को बताना चाहिए कि जो मोटे लोग हैं भाई वो भी कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर भी कुछ टैलेंट है। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं, यहाँ पर इनका एक दोस्त रहता है जो हेल्प करता है, इनको लंदन मूव कर देता है, ठीक है। अब ये दोनों लंदन जाती है, अब वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है भाई साहब की, एक्चुअली में ये किस तरीके से अपने अपने ड्रीम को अचीव कर सकती है। तो ये सब चीज के लिए आपको मूवी को देखना बहुत जरूरी है। इस डबल एक्सएल जो मूवी में ना, इसमें आपको तो स्टार्टिंग में जैसे कि ट्रेलर में दिखा दिया कि शेखर धवन का एक छोटा सा कैमियो स्टार्टिंग में, एकदम मूवी के जस्ट स्टार्टिंग में, लेकिन मूवी के मिडिल में जब यहाँ पर लंदन के दोनों चले जाते हैं, तो वहां पर आपको एक बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर जो हमारे इंडिया से प्रेजेंट है, उनका भी एक कैमियो दिखाया जाएगा। तो इसको मैं इनका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, इसको आप मूवी में देखना भाई। तो वहां देखकर आप सच में एक प्राउड फील करने वाले। मूवी की स्टोरी तो यही थी, मैंने आपको बता दी कि लोग लंदन मूव कर लेती है, ठीक है। तो वहीं पर बहुत सारा कुछ होता है, तो क्या होता है मूवी में देखना। अब जो मैं बताने वाला हूं, देखो इस मूवी का जो मतलब स्टोरी था ना, जो मतलब जो कहानी है, बहुत ही सीरियस टॉपिक था कि एक मोटापा होता है, जो बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत मोटे आदमी होते उनके रिगार्डिंग था, लेकिन उस टाइप का स्टोरी को दिखाया नहीं गया। मेरे हिसाब से ज्यादातर जिस चीज पे टॉपिक था ना, उसको ज्यादा फोकस नहीं किया गया, मोटापे को एक्चुअली में दूसरे चीज को फोकस किया गया, ठीक है। तो इस मूवी को और भी बहुत ज्यादा अच्छा किया जा सकता था मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही मूवी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लोगों को यहाँ से एक लेसन मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि भाई साहब देखो हमेशा यार सच बता रहा हूँ, ये चीज रियलिटी फैक्ट है, हमेशा अपने बॉडी फिटनेस पे ध्यान दिया करो, तो ये बहुत जरूरी है। देखो ऐसा नहीं बता रहा कि जो मोटे हैं भाई साहब वो पतले नहीं हो सकते, और जो मोटे लोग हैं वो कुछ बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते, और जो पतले लोग हैं वो मोटे नहीं हो सकते, भाई तो हो सकते भाई। तो एक मेंटेन रखो बॉडी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मूवी यही मैसेज देती है। और अगर बात करें स्क्रीन पे लेके, तो हाफ जो फर्स्ट हाफ रहेगा ना, आपको थोड़ा बोर कर देगा, बहुत सारा जगह टाइम आपको ऐसा लगेगा भाई साहब ये मूवी बहुत ज्यादा खींच रहा है यार, 2 घंटे 5 मिनट का मूवी है, एटलीस्ट को 1.5 घंटे में खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक आपको खींचते आएगा। फिर कभी कभी आपको लगेगा यार क्या मूवी बोरिंग कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब ये मेरे हिसाब से जो मोटे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करते हैं भाई साहब कि हाँ मैं मोटा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो उनके लिए मूवी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल साबित हो सकती है, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वैसे मूवी ठीक ठाक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।